नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। दोस्तों मेरा नाम नितेश, मैं उत्तराखंड चंपावत जिले के छोटे से गांव देवीपुरा का रहने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि मैं उत्तराखंड से हूं, मैं आज पहाड़ी बोली, जो हमारी पहाड़ी बोली की मुहावरे हैं, कहावत है, वो मुहावरे आपके बीच में लेकर आया हूँ, जिसमें मेरे आस पड़ोस के बुजुर्ग है या मेरे घर के बुजुर्ग है, मैं उनसे कुछ मुहावरे पूछूंगा पहाड़ी, और कोशिश ये रहेगी कि उसका हिंदी में आपको मतलब बताया जाए। तो दोस्तों आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करवाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे दोस्तों, मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चलता हूँ मैं पड़ोस में, जो मेरी चाची की मम्मी है, आमा जी हैं, उनके पास चलता हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरा लेकर आऊँ आपके बीच में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पड़ोस की ओर। तो भैया पहुँच गया मैं बगल में आमा लोग के पास, और ये छोटी मामी लोग के घर में सबका जमावड़ा हो रखा है, और ये हाँ ये छोटी मामी बर्तन धो रहे हैं, और मम्मी क्या कर रही है, ये बना रही है भाई गद्दा चटाई, ये पराल की चटाई बन रही है भैया, मम्मी पराल की चटाई बना रही है, और ठंडी में मतलब बहुत काम आता है। तो दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपको आमा जी से, यह है वो आमा जी। ठीक है आमा, मैं एक मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें तुमने पहाड़ी कहावत है, जो कहावत सुना देते तो बहुत बढ़िया होता। हाँ जैसे कोई पहाड़ी कहावत सुनाओ, तो कोई सुनाओगे? ठीक है दोस्तों, आमा आपके बीच में एक पहला मुहावरा लेकर आ रहे हैं। ठीक है आमा जी बताना। धीरे से धीरे जले सब चीज मिल जा, ये जल्दी जानी हो रे तात के खून जल मर जो खाबर ले ची सीन और गोल ले ची सीन तात के खून जल मर जो कब ना करन जान दे मैं सब धीरे धुन जा। तो भैया आमा जी ने बहुत बड़ी बात कही, तब तक हम जल मरी का मतलब ये होगा कि जैसे गरम गरम खाना है उसको खाओगे तो नुकसान ही होगा आपकी, पहले बात तो मुँह जलेगा, और उसके बाद आप मतलब ये कहने का मतलब ये है कि तो गरम गरम खाकर जल के मरने वाले काम हुए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम के लिए पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट किसी भी काम के लिए मत अपनाओ, डेडिकेशन चाहिए, काम को करते रहिए ना, एक दिन एक आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आमा का कहने का मतलब ये है कि तब तक हम जल मरी नहीं होना चाहिए। ठीक है आमा, यही है? यही है बाबू। अच्छा और कोई दूसरी कहावत? दूसरी कहावत क्या कहूँ, याद है आपको? जब वक्त लगन हो वक्त हगन हो। अच्छा, लगन वक्त हगन हो, लगन वक्त हगन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बरात है। हाँ हाँ बरात आ रही है, उसी टाइम मैं कर लियो ना कौन जा। अच्छा, उसको धीरे 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 वो मैं जोर जम के कर लू, जोर जम के कर बे तब लगन हुन बे। अच्छा, तब तो खून जल मर जो नहीं करन जान, लगन वक्त हगन नहीं करन जान, वो पहली बैठे हुई को चेपा चोप सब चीज में पैस पाई राशन पानी सब चीज में, सब चीज में धीर जो होता तब लगन होनी भाई ना? बहुत बढ़िया बात। दोस्तों आमा का कहने का मतलब ये है, दो मुहावरे से बहुत बड़ी बात कह दी है उनने, एक तब तक हम जल मरी हो कि मतलब किसी भी काम के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, आराम से पेशेंस रखना चाहिए, और जो लगन लगन वक्त तो जो हगन, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ठीक मतलब जिस समय आपका काम होता है उसी समय आप मतलब चीज़ों को ढूंढते हो उससे जुड़ी हुई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसकी पहले जो टूल्स होते हैं उसकी जो टूल्स की व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। तो क्या आमा का कहने का मतलब ये है। तो आमा और कोई कहावत मुहावरे? आपके मुहावरे बहुत बढ़िया हैं, और कोई मुहावरे हैं आपके पास? तो आमा बोल रहे कि दो मुहावरे बहुत है, बाद में याद आएगी तो मैं तुझे बताऊँगी, बोल रहे हैं अभी याद नहीं आ रहे उनको। एक तो कैमरा सही है, थोड़ा कैमरे को देखकर हर किसी की बस मतलब बस में नहीं होती कि कुछ बोल रहे हैं, हमारे फिर भी बहुत सारी बातें बोल दी है, और कुछ गाना सुनाने के लिए बोल रहे हैं। अब इनकी इच्छा है तो मैं सोच रहा हूँ कि गाना भी सुन लें आमा से। सुना ना आमा? हाँ हिंदी में, चलो ठीक। एक गांव के पनघट में बैठी थी पनिहारिया, एक गांव के पनघट में बैठी थी पनिहारिया, एक गांव के पनघट में बैठी थी पनिहारिया, हम तो भैया चक्कर खा गए दे शहर की नारिया, हम तो भैया चक्कर खा गए दे शहर की नारिया,
5 रुपए की पाव जलेबी बैठ सड़क में खाऊंगी, 5 रुपए की पाव जलेबी बैठ सड़क में खाऊंगी। हम तो भैया चक्कर आ गए दे शहर की नारिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है गाना, बहुत अच्छा सुनाया उनने। शहर को रिलेटेड मतलब गांव के जो लोग हैं अगर शहर में जाएं तो उनकी क्या राय होती है, वो इसी से जुड़ा हुआ ये गाना है ना। दोस्तों आमा से जितने मुहावरे लेने थे ले लिए हैं, और आमा जी बोल रहे हैं कि मैं कुछ हमारे किस्से होते हैं ना, किस्से पहाड़ी में आने बोलते हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना उनका आंसर। आमा कुछ क्वेश्चन पूछने वाली है, आमा पूछो तो। अच्छा तो सानी खान में भूट खान की भाई हो पता। और दूसरा क्वेश्चन, और हितने रोई खोज मेटने रोई की भाई हो, ठीक हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बन जान भक्त घर का मुख, घर उन भक्त बन का मुख यो की भाई। अच्छा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आप जो पहाड़ी भाई लोग हैं वो जरूर कमेंट में मेरे को आंसर जरूर देना, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है नहीं सही है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और अच्छा भाई, 4 क्वेश्चन आपके बीच में हो गए, आमा ने पूछ रखे इनका आंसर बताना है आपको। नन्नन मुलाय पेट भरी कीड़ा, नन्नन मुलाय की पेट भर कीड़ा। दोस्तों इनका आंसर जरूर बताना, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फट पुछड़ में नट बेल रहा था कहां रहे है चिन्ना खो प्याट यो की छ ये बता, एक बार दोबारा बोलना तो। फुटबुट फट पुछड़ में नट बेल रहा था कहां रहे है चिन्ना खो प्याट। दोस्तों ये सब मैं आंसर आवाज से पूछ के मैं नोट करूंगा, उसके बाद आप भी बताना मेरे को। एक आतो के तो आते हैं, मैं एक आत नहीं आते, मैं आप कमेंट करना मैं बताऊंगा। पड़े थे 4 पड़े थे उसके ऊपर 2 पड़े थे की छ ये। अच्छा और दिन भरी घूमी हो छे ब्याखल बार चौवन्नी बराबर जागली छे की छे। अच्छा दोस्तों धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ लिया आवाने, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। दिन भर हिंड से ब्याखल बार चौवन्नी बराबर जागली। अच्छा और पल्ले भीतर शेर हो छे वल्ले भीतर खुटो तान छे की हो। अच्छा ये तो आपने बहुत पूछ लिए क्वेश्चन, बहुत हो गया। अगर दोस्तों का बताना भी चाहिए ना, ठीक है भैया कमेंट करके जरूर बताना ये आंसर, मैं आमा से पूछ लेता हूँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ कि आंसर सही है या गलत है आपके, ठीक ठीक है आमा। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे भी कोई मुहावरे मिले तो आपको जरूर बताएंगे। ये मामी जी ये पानी गर्म कर रहे हैं नहाने के लिए, धूप लग रही है इतनी तकड़ी, और तो आप पानी गर्म कर रहे हो नहाने के लिए। अब उठे कहाँ उठे। और दोस्तों ये आमा की चटाई भी बन गई है, ये आमा जी की चटाई बन रही है ये पराल की, भैया ठंडी में मतलब बहुत काम की ठहरी है, अच्छे खासे गद्दे फैले, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भैया अभी पहुंच गया हूँ मैं घर में, और घर में पहुंचने के बाद जब मैं चेक करा तो मेरा जो ब्लॉग बना हुआ कितने मिनट का बन रहा है तो काफ़ी लंबा बन गया दोस्तों। मुझे फ़िलहाल अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज के ब्लॉग का अंत यहीं पर ही करते हैं, कल मिलते हैं नई सुबह नई ताजगी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।